Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing absolutely great. So in today's video हम देखने वाले हैं कि हम सिंपल से प्लास्टिक पॉट्स जो मिलते हैं मार्केट में उसे हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो ये टेक्निक्स में हम सिंपल पैटर्न्स बनाएंगे. सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे आई एम शोइंग हियर टू कलर योर नॉर्मल प्लास्टिक पॉट्स एंड कन्वर्ट दैट इनटू दिस ब्यूटीफुल पॉट्स विच लुक्स प्रिटी इन योर गार्डन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक लिया है प्लास्टिक का पॉट. आप पुराने भी पॉट ले सकते हैं जिसमें आप ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है. तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी इनामल पेंट. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सभी जो भी पॉट्स में यूज़ करने वाली हूँ पेंट करने वाली हूँ उसको मैं वाइट इनामल पेंट का एक बेसिक कोट दे दूँगी. तो यहाँ पर मैंने बेसिक कोट वाइट कलर का दिया है क्योंकि जो भी हम आगे उसके कलर्स करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे ईच अदर्स को. तो आपको यहाँ पर जो भी पेंट कलर यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ मैं सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर आप इनामल पेंट का यूज़ कीजिए क्योंकि ये लॉन्गर टाइम तक रहता है और इसके कोई भी ब्रश स्ट्रोक्स वगैरह नहीं आते हैं. सिर्फ आपको ये सूखने के लिए एक पूरा दिन उसको सूखने के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है. सो अब फर्स्ट पॉट पेंटिंग टेक्निक ये बहुत ही सिंपल है. आपको एक लार्ज स्टील के पतीले में आपको एक वॉर्म वाटर लेना है. ज़्यादा गर्म नहीं हल्का सा गर्म वाटर देना है. और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दो कलर के नेल पेंट्स. तो यहाँ पर आप जो भी कलर मनपसंद चाहे वो यूज़ कर सकते हैं. तो हियर आई एम गोइंग टू यूज़ ब्राउन एंड गोल्ड. सो सिंपली उसको आपको पोर करना है वाटर के सरफेस के ऊपर और स्टिक की हेल्प से आपको वो थोड़ा सा मिक्स करना है. सो When you done that, so simply जो भी आपका पॉट है वो उसमें डिप करना है और इस तरह से उसको एक अच्छा सा मार्बल प्रिंट हो जाएगा. So this is a very easiest technique to color your pots and give it a different look and a vibe. So next pot के लिए मैंने यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ किए है इट्स लाइक अ पेंट ड्रिपिंग टेक्निक. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपली जो भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक्रेलिक कलर तो उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके मैंने उसको एक लिक्विडी टेक्सचर बनाया है. और पॉट के बॉटम के ऊपर में जो राउंड ब्रश है उस इस तरह से वहाँ पर कलर डाल दूँगी. सो वो कलर जो है वो ड्रिप हो जाएगा. तो यहाँ पर मैंने दो तीन कलर यूज़ किए हैं. तो बिफ़ोर यूजिंग टू थ्री कलर्स मेक श्योर कि आपने जो भी कलर पहले वाला यूज़ किया है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसी के बाद ही आप दूसरा कलर का ड्रिपिंग कीजिए. एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक. सो कमिंग टू अवर थर्ड प्लास्टिक पॉट पेंटिंग टेक्निक. तो यहाँ पर मैंने एक पुराना गमला लिया है तो उसको मैं एक ओम्ब्रे इफ़ेक्ट दूंगी. तो यहाँ पर मैंने जो लेफ्ट ओवर पेंट था पिछले वाले पॉट का तो वो यूज़ किया है और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पीच कलर एक क्रिएट किया है. तो सिंपली मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज की हेल्प से जो भी कलर है वो डैब डैब करके यहाँ पर यूज़ किया है. तो आपको ओम्ब्रे इफ़ेक्ट लाने के लिए जो भी कलर्स आप मैच करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा वाइट कलर लेके उसको मर्ज करना है सो दैट इट विल गिव द ट्रांजिशन इन बिटवीन टू कलर्स. सो यहाँ पर आपको जो भी मर्जिंग करनी है वो बहुत ही हल्के हाथों से आपको डैब डैब करके इस तरह से मर्जिंग करनी है. तो एक कोट हो जाने के बाद सेकंड कोट भी आपको कीजिए तो वो ज़्यादा पिगमेंटेड इफेक्ट ओम्ब्रे इफेक्ट आपको मिल जाएगा. एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक आफ्टर इट विल ड्राई. सो कमिंग टू अवर थर्ड प्लास्टिक पॉट पेंटिंग टेक्निक. तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मास्किंग टेप. तो मास्किंग टेप को मैंने तीन जगह पर इस तरह से इसको लगाया है और जो भी कलर मैं यूज़ करूँगी मास्किंग टेप इसके लिए लगाया कि वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा. तो यहाँ पर मैंने मास्किंग टेप यूज़ किया है तो वो निकालते वक्त मेरा थोड़ा सा कलर निकल गया था तो वो मैंने बाद में उसको टचअप कर दिया है. तो आप
जो भी मास्किंग टेप यूज़ करेंगे वो केयरफुली निकालिए। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ग्रीन कलर, जो मैंने टॉप और बॉटम में यूज़ किया है, और बीच में जो वाइट कलर है वहाँ पर मैं सिंपल से ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स इस तरह के पैटर्न में ऐड कर दूँगी। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली क्विक एंड ब्यूटीफुल लुकिंग पॉट, एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक आफ्टर ड्राइंग। तो ये जो चार ही पॉट की टेक्निक्स है बहुत ही सिंपल है। सो दैट्स इट, आई होप यू एन्जॉयड ऑल ऑफ दीज पेंटिंग टेक्निक्स, एंड इफ़ यू वॉन्ट सम मोर पेंटिंग टेक्निक्स फॉर योर प्लास्टिक पॉट्स देन प्लीज़ लीव द कमेंट ऑन द वीडियो, एंड इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो यू विल बी नोटिफाइंग फॉर माई न्यू वीडियोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।